हेलो फ्रेंड, दिस इज विवेक एंड यू वॉचिंग सिविल हेल्प। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डबल रेनफोर्समेंट ऑफ अ स्लैब। ओके, सो आज मैं आपको बताऊंगा कि डबल रेनफोर्समेंट ऑफ अ स्लैब क्या है, ठीक, विच इज डबल रेनफोर्स्ड थ्रू आउट द स्लैब एंड द रेनफोर्समेंट इन अ स्लैब विद क्रैंक, या जहां पर आपका रेनफोर्समेंट डबल थ्रू आउट नहीं होता है, ठीक है। तो उन दोनों स्लैब के बीच में क्या डिफरेंस होती है, ओके, आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल दिस पॉइंट्स। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। टिल देन डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड आल्सो हिट द बेल आइकन। ओके ओके दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे होंगे इस समय आपकी स्लैब में आपका जो रेनफोर्समेंट हुआ है, ठीक है, तो आप इस रेनफोर्समेंट में देख पा रहे होंगे क्लियरली कि आपका जो बार टू बार डिस्टेंस है ये कितना कम ली हो गया है, ठीक है। यहाँ पे एक है, फिर दिस दिस, और ऐसे ही ये थ्रू आउट लिया गया है। दोस्तों, होता है क्या है कि जो डबल रेनफोर्समेंट होता है हमारा, उसमें आपका दो टाइप की रेनफोर्समेंट होती है, ठीक। एक होती है बॉटम रेनफोर्समेंट, एक होती है टॉप रेनफोर्समेंट। तो बॉटम रेनफोर्समेंट जो होती है, पहले उसको कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें बार टू बार डिस्टेंस जो होती है आपकी 10 इंचेस लगभग ली जाती हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा डिस्टेंस जो है 10 इंच लगभग लिया गया है, ठीक है। तो 10 इंच नीचे वाली बार रेनफोर्समेंट जो होगी मैस, उसमें भी आपका 10 इंचेस डिस्टेंस होगा बार टू बार, ठीक है। और ऊपर वाले भी आपका डिस्टेंस जो होगा वो होगा 10 इंचेस। तो क्या किया जाता है कि जब आपका बॉटम वाला रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया गया और अब टॉप की बारी आई, ठीक है, तो टॉप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते समय आपका अल्टरनेट वे में प्रोवाइड किया जाता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसा देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे आपको ये वाला रेनफोर्समेंट है, ठीक है, ये बॉटम रेनफोर्समेंट यहाँ से यहाँ तक, ये इससे ये इधर है, ठीक है। तो इसके और इसके बीच में डिस्टेंस कितना लिया गया है, 10 इंचेस, ठीक। अब जो टॉप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है वो अल्टरनेट प्रोवाइड किया गया, मतलब कि अगर ये यहाँ पे था तो इसके बीचों बीच इसको यहाँ रखा गया, ठीक है, मतलब इससे 5 इंच की दूरी पे इसको रखा जाएगा। फिर यहाँ से इसकी डिस्टेंस यहाँ हो जाएगी, तो ये 5 इंच इससे यहाँ पे 5 इंच का डिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरीके से अल्टरनेट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। दोस्तों, जो टॉप रेनफोर्समेंट होती है उसको हम नेगेटिव रेनफोर्समेंट बार भी बोलते हैं, ठीक है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट बार, ठीक है। होता क्या है कि जब हमारा स्लैब होता है, ठीक, और ये आपके सपोर्ट्स में, ये आपका सपोर्ट दिया है, ठीक, ये बीम है, ये बीम है, तो ये आपका जब सपोर्ट दिया रहता है तो उस समय क्या होता है कि बीच में आपका पॉजिटिव मूवमेंट क्रिएट होता है और किनारे आपका क्या होता है, नेगेटिव मूवमेंट क्रिएट होता है, ठीक। तो पॉजिटिव मूवमेंट को कोप अप करने के लिए आपका होता क्या, रुकिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपका ये पूरा स्लैब है, ठीक, ये आपका एक स्लैब है। अब क्या होगा, जब आपका कंक्रीट पड़ेगा इसमें या आपका स्लैब बनेगा, तो आपका इस सेक्शन का जो पूरा वेट है वो लाई करेगा या फॉल करेगा ड्यू टू सेंटर ऑफ मास इन मिडिल पोर्शन, ठीक। तो इस बीच में क्या होगा, डिफ्लेक्शन क्रिएट होगा, ठीक। डिफ्लेक्शन क्रिएट कैसे होगा कि क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव मूवमेंट आपका इस जगह पे मिड सेक्शन पे ही क्रिएट होता है, ठीक है। मिड सेक्शन में आपका पॉजिटिव मूवमेंट क्रिएट होता है, तो उसी तरफ आपका जो किनारे होते हैं, साइड्स होती हैं, ठीक है, वहाँ पे आपका क्रिएट होता है नेगेटिव मूवमेंट, ठीक है। तो पॉजिटिव मूवमेंट को और नेगेटिव मूवमेंट, पॉजिटिव मूवमेंट को कोप अप करने के लिए आपका नेगेटिव मूवमेंट क्रिएट होता है। तो जैसे कि पॉजिटिव मूवमेंट की वजह से ये सेक्शन नीचे की ओर जाना चाहेगा ड्यू टू नेगेटिव मूवमेंट, वह ऊपर की ओर उठना चाहेगा, उखड़ना चाहेगा वहां से, ठीक है। तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए हम क्रैंक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जब आपका डबल रेनफोर्समेंट नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, क्रैंक प्रोवाइड कर देते हैं, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कर देता है पॉजिटिव मूवमेंट और नेगेटिव मूवमेंट, फाइन। पर जहाँ पे आपका क्रैंक नहीं प्रोवाइड किया, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये डबल मेश है, तो डबल मेश में आपको क्या किया जाता है कि वैसा ही रेनफोर्समेंट जैसा बॉटम में किया गया है, वैसा ही रेनफोर्समेंट आपका टॉप में प्रोवाइड कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पे आपका एक्सेस रेनफोर्समेंट हुआ है, ठीक है, ये मिड सेक्शन पे आपका इतना जरूरत नहीं थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यस आपका इकोनॉमिकल नहीं है, ये थोड़ा इसमें आपका मनी जो है इंक्रीज हो गया होगा या आपका चार्जेस इसके स्टील के एक्स्ट्रा लग गए, ठीक है, क्योंकि आपका
ये जो रेनफोर्समेंट होती है नेगेटिव रेनफोर्समेंट बार जो होती हैं, ये सिर्फ आपका सपोर्ट सेक्शन में लाइक दिस इस सेक्शन में प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है। आपका इधर प्रोवाइड कर दीजिए, उधर प्रोवाइड कर दीजिए, इन दैट सेक्शन एंड दिस सेक्शन ऑल्सो, फिर आपका थोड़ा सा स्पेस बचती तो लोग इसको, ये आपका हार्डवर्क हो जाता है एक तो, कि आपको सारी बार्स इतनी इतनी छोटी छोटी काटनी पड़ती हैं, तो इस वजह से लोग अवॉइड करके पूरे में ही ये आपका डबल मेस प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इससे तो उनका काम बच जाता है या उनको हार्डवर्क उनका बच जाता है, आपका जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं या जो लेबर्स होते हैं, पर आपका जो ओनर होता है उसको इकोनॉमिकल नहीं पड़ता है। ठीक है, उसको पैसा ज़्यादा लग जाता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। ओके दोस्तों, तो मैं ये बता रहा था कि किस वजह से प्रोवाइड करते हैं आपका डबल रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो डबल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने का मेन कारण होता है वो ये होता है कि आपका जो नेगेटिव मोमेंट क्रिएट होता है उसको काउंटरैक्ट करने के लिए, ठीक, आपका ऊपर से एक रेनफोर्समेंट दी जाती है, ताकि आपका जो स्लैब है वो उखड़ने की कोशिश ना करे, उस पॉइंट से निकलने की या स्लिप होने की कोशिश ना करे सपोर्ट से। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मूवमेंट को काउंटरैक्ट करने के लिए आपके एक्स्ट्रा बार्स दी जाती हैं, ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक, यहाँ पे। तो बेसिकली आप जहाँ देखेंगे, अगर उन्होंने प्रॉपरली इकोनॉमिकली आपका डिज़ाइन किया है, तो ये बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है आपके स्लैब के चारों सपोर्ट्स पर। ठीक है, जहाँ जहाँ आपके सपोर्ट्स होंगे वहाँ वहाँ प्रोवाइड किया जाता है, बट हियर यू कैन सी इट हैज़ बीन गिवन थ्रू आउट। ठीक, तो इसकी स्ट्रेंथ में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यस, आपका ये अनइकोनॉमिकल हो चुका है। ओके दोस्तों, बात करें कि इसके आपके डाया के जो रेनफोर्समेंट डाया होगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि आपका सेम डाया हर जगह ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है नीचे वाले डाया वो भी 10 mm है, ऊपर वाली डाया है वो भी 10 mm है। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि जब आपका डबल मेस होता है, ठीक है, डबल मेस आपका स्लैब में प्रोवाइड किया जाता है, रेनफोर्समेंट डबल मेस होती है, तो आपका जो नीचे वाला होता है वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार की तरह काम करता है, और आपका जो टॉप मेस होता है वो आपका मेन बार्स की तरह काम करता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका डबल मेस में जो नीचे वाला जो बॉटम वाला होगा वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार की तरह काम करेगा, और जो ऊपर वाला होगा वो टॉप वाला वो आपका मेन बार्स की तरह काम करेगा। फाइन, अब आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब भी आप डिस्ट्रीब्यूशन बार या मेन बार्स लें तो उनके डाया में डिफरेंस जरूर होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम डाया आपका लिया गया है थ्रू आउट द स्लैब, थ्रू आउट द स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर 10 mm लिया गया है तो पूरे जगह, सारी जगह आपका 10 mm ही ले लिया गया है, विच इज नॉट गुड। तो आपको इस बात का जरूर याद रखना है दोस्तों, डेवलपमेंट लेंथ देते समय वो चीज़ें भी याद रखनी है, आपका लैप लेंथ देते समय भी चीज़ें याद रखनी है कि कितने लैप लेंथ होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका लगभग 1 meter लैप लेंथ लिया गया है, बट दिस इज टेकन थ्रू द बीम। हमें बीम के अंदर से लैप लेंथ नहीं लेनी चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू IS कोड, ठीक है, IS कोड में दिया हुआ है कि आपका बीम और कॉलम से लगभग 2D के डिस्टेंस के बाद ही आप लैप लेंथ ले सकते हैं, और लैप लेंथ आप कितना लेंगे वो डिपेंड करता है 40D, ठीक है, 50D कितना लेना है वो डिपेंड करता है, वो मैं आपका एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, आप देखना चाहें तो उस वीडियो पे देख सकते हैं। दोस्तों, एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो बॉटम रेनफोर्समेंट होगी वो आपकी बीम के अंदर से होकर के जाएगी। ठीक है, जैसे आप ये देख पा रहे हैं कि दिस इज बीम एंड योर बॉटम रेनफोर्समेंट जो है आपकी वो नीचे से गई है, और जो टॉप रेनफोर्समेंट होगी वह आपकी बीम के ऊपर से जाएगी, तभी आपका ये प्रॉपरली काउंटरैक्ट कर पाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव मूवमेंट इन अ स्लैब। ओके गाइज, वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब हम प्रोवाइड करते हैं डबल रेनफोर्समेंट मेस, ठीक है, डबल रेनफोर्समेंट आपका देते हैं पूरी स्लैब में, तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा चेयर। ठीक है, प्रॉपरली चेयर प्रोवाइड करी हुई होनी चाहिए। ठीक है, एक मीटर की डिस्टेंस पे मिनिमम 800 mm, एंड या बोल सकते हैं आपकी 1 meter square के डिस्टेंस पे एक चेयर आपका जरूर होना चाहिए। ठीक है, चेयर का काम क्या होता है, ये आपके बॉटम और टॉप रेनफोर्समेंट के बीच में जो दूरी होती है वो फिक्स रखता है। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका क्या है, ये आपका
टॉप रेनफोर्समेंट है और ये नीचे आपका बॉटम रेनफोर्समेंट है, तो इन दोनों के बीच में एक फिक्स दूरी होनी चाहिए जो कि ये मेंटेन करके रखता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जरूर लगाएं ताकि, क्योंकि क्या होता है कि जब आप कंक्रीट डाल रहे होते हैं तो लेबर इस पे चलते हैं, कई मशीन आपकी रखी जाती हैं, आपका ट्रॉली इससे ट्रैक करता है या चलता है। होता क्या है कि जो आपका बॉटम रेनफोर्समेंट है और टॉप रेनफोर्समेंट है दोनों मिल जाते हैं या ये दब जाता है, दैट इज नॉट गुड। सो आपको इस पॉइंट का बहुत ख्याल रखना है, बहुत अच्छे से इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, एज अ साइट इंजीनियर और एज अ सुपरवाइजर। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।